चलिए क्लास टेंथ में ट्राइंगल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे थे हम। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ओके देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। बोलता है इफ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके चेक करिए कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ओके तो बना लें इसको। हाँ चलो बना लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल आपका ए बी सी और ये रहा ट्राइंगल आपका डी ई एफ। ओके इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई, चेक करिएगा जरा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी ऐसा है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। कह रहा है देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन और ऑप्शन दिए हुए आपको। ठीक तो ए ऑप्शन दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी और लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है तो पहली चीज तो ये गिवन है और कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब कौन सा एंगल किसके इक्वल हो जाए। तो चेक करते हैं जरा, चेक करिए जरा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी अपॉन, चेक करिए जरा, बी सी अपॉन, बी सी अपॉन एफ डी ए। ओके मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बी सी अपॉन एफ डी ए, चेक करते हैं जरा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी अपॉन एफ डी। ठीक है ओके ओके कोई बात नहीं, देखो एक काम करते हैं, ठीक है आप थोड़ा सा यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हमको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है साइड एंगल साइड क्या कहता था कि दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो, मतलब ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, और जब कोई एंगल इक्वल हो तो उस एंगल को बंद करने वाले साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल, ऐसा ही कुछ था याद है। अच्छा तो एक काम करते हैं, रेशियो तो उसने दिया हुआ है, ठीक है अगर मैं ये जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा हेर फेर कर लूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर मैं इसमें थोड़ा हेर फेर कर लूँ जो उसने दिया हुआ है मुझे, क्या हेर फेर करता हूँ, चेक करिए, ए बी को लिख रहे तो बी सी को मैं अगर नीचे ले आऊँ, ठीक है तो, और डी ई को अगर मैं इधर भेज दूँ, ठीक है ना, अब ठीक है अब पकड़ में आ गया होगा आपके, ए बी अपॉन बी सी, चेक करो जरा, ए बी अपॉन बी सी यानी कि कौन सा एंगल बंद हो रहा होगा, एंगल बी, और दूसरे में चेक करो डी ई अपॉन एफ डी, चेक करो जरा, डी ई अपॉन एफ डी यानी कि कौन सा एंगल बंद हो रहा होगा, हाँ तो बताइए कौन सा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डी यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत है बताइए, कर लीजिए। 7th क्वेश्चन लेते हैं, बोलता है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, चेक करिएगा जरा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। देखो ऐसा वो बोल रहा है पहली बात कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। अच्छा इससे आपको एक जानकारी मिल रही होगी कि एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या दे रखा है, बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 9:4, ए बी का लेंथ 18 है, बी सी का लेंथ 15 है और पी आर की आपको वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा है क्या कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो जो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा अब ओके तो चेक करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ए बी सी मैं यहां बना रहा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, देखिए ए बी और सी, ओके और यहां देखिए मैं इसका नाम कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्यू पी आर, कोई दिक्कत है, ए के इक्वल क्यू होगा, एंगल बी के इक्वल एंगल पी होगा और एंगल सी के इक्वल एंगल आर होगा, इसमें कोई दिक्कत है, ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ध्यान से सुनिए भाई, चाहे मैं इस ट्राइंगल को क्यू पी आर बोलूं और चाहे मैं इस ट्राइंगल को पी क्यू आर बोलूं तो जो उसका एरिया है वही रहेगा ना,
यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल क्यू पी आर, कोई दिक्कत है? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू व्हाट? क्यू पी आर। तो जब साइड्स का, जब साइड्स के स्क्वायर का रेशियो लोगे तो यहां से चीटिंग करके लोगे ना, क्या आएगा बताइए? ए बी स्क्वायर अपॉन क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स। देखो यहां से नहीं लेंगे, आप समझ रहे हो यहां से क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के थोड़ी ना सिमिलर है, ए बी सी क्यू पी आर के सिमिलर है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना? हाँ, बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन। और खास बात यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर दिया कितना हुआ है आपको? 9:4। अब चेक करो कि ए बी 18 दिया हुआ है उन्होंने, तो हम यहां पुट कर सकते हैं। बी सी कितना दिया हुआ उन्होंने हमको? 15, तो हम यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है ना? और निकालना क्या है हमको? पी आर। ओके, तो अब इसको कैसे करें? पी आर निकालना है ना? ठीक है, आ जाएगा पी आर। कैसे? चेक करिए जरा ध्यान से, इसको और इसको इक्वल कर सकते हो आप, सब कुछ आपस में इक्वल है ना? तो यहां से बी सी तो आपको दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में, और पी आर आपको निकालना है, आ जाएगा? तो चेक करिए जरा क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां कर रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट बी सी का वैल्यू रखेंगे, बी सी का स्क्वायर है यानी कि क्या, 15 × 15, भाई बी सी का स्क्वायर यानी 15 × 15 अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। कर सकते हो आप, क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो पी आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 15 × 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे। जब एल एच एस में रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड में भी कर लेंगे 4/9। अब इस 15 × 15 को यहाँ भेज देंगे और पी आर स्क्वायर से किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी आर की। तो चेक करिएगा जरा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 15 × 15 राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 4 × 15 × 15 upon 9, ठीक है ना? चेक कर लीजिए, ठीक है। अब 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, ओके। और देखिए 5 × 4 = 20 और 20 × 5 क्या होता है, 100, ठीक है। अब पी आर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर हटेगा तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ±10, लेकिन माइनस वाला वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गया 10 cm, पी आर का वैल्यू कितना हो गया, 10 cm। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, हम 10 cm पे टिक लगा लेंगे। करीब क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, चेक करिएगा जरा, कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ओके, क्या बोलता है, इफ एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, है ना, यानी कि पी क्यू पे क्या है, कोई पॉइंट एस है, चलिए ले लिया हमने। बोलता है सच दैट पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस, सच दैट पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एस, ओके, यानी कि पी एस का वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू एस के। तो लेट अस अज्यूम कि पी एस कितना हो गया, एक्स, तो क्यू एस भी कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर एस, तो आर एस भी, आर एस भी कितना हो जाएगा, एक्स, कोई दिक्कत है? ओके, बस अब कुछ नहीं दिया है, कह रहा है देन देन इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, बोलता है, फिर से सुन लीजिए, एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू, ठीक है, एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एस, देन, हाँ, तो कैसे करें इसको, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इसके लिए एक थोड़ा सा तो हमें समझ में आता है, पता है क्या, अगर मैं ट्राइंगल एस क्यू आर को चेक करूं, दिखाई पड़ रहा है, देखो आपको डायग्राम देखने से भले आपको साइड छोटी बड़ी दिखाई पड़ रही हो, लेकिन जो वो बोल रहा है आप वैसा सोचिए, यानी कि आप, हाँ बिल्कुल सही, एस क्यू आर में एस क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, एस आर, कोई दिक्कत है? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एंगल इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कोई दिक्कत है इसमें? और ध्यान से सुनिए जरा कि अगर हम ट्राइंगल पी एस
ट्राइंगल पी एस आर लें, दिखा सबको, ट्राइंगल पी एस आर लें, ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ओके। तो अब बात ये है कि क्या मैं इसको थीटा ही नाम रखूं या कुछ और रखूं, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, कुछ और रखना पड़ेगा ना अभी तो, बहरहाल समझ रहे हो ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, यहां से खड़े होकर देखोगे ना, ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये देखो ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन हमें नाम कुछ और रखना पड़ेगा ना उस एंगल का, तो लेट अस से हमने नाम रखा क्या एम, और ये भी क्या है एम, कोई दिक्कत है बताइए, एक्स क्या है इसकी लेंथ है, ठीक है ना। अच्छा अब कुछ हम कर सकते हैं इसमें क्या, ओके क्या कर सकते हैं अब, देखिए एक काम शायद हो जाए, चेक करिए जरा, ये वाला जो एंगल है ये, अच्छा आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो पता है ना, किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पास वाले को छोड़ के बाकी जो दोनों दूर बने होते हैं उनके सम के क्या होता है, इक्वल, ऐसा कुछ होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको चेक करो जरा, ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर है किसके, पी एस आर के, तो ये वाला जो एंगल होगा ये पास वाले को छोड़कर बाकी दोनों सम के क्या होगा, बाकी बचे दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा बताइए, होगा, तो एम प्लस, नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये पी एस को जब हमने आगे बढ़ाया तो ये एंगल क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये पास वाले को छोड़कर जो दोनों बचे होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, तो एम प्लस एम, चलो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2m, कोई दिक्कत है बताइए, हाँ ओके। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल की बात करूं, चेक करिएगा जरा, इसकी एंगल की बात करूं किसकी, पी एस आर की, तो ये अपने पास वाले को छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा कितना होगा, ये 2θ, और खास बात सुनिए, 2θ प्लस 2m 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं करेक्ट, तो देखिए एक इक्वेशन तो बना, चलो कम से कम 2θ प्लस 2m इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं अगले स्टेप में, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, थीटा प्लस एम इज इक्वल्स टू 180, अब इस 2 से उधर डिवाइड लगा दोगे तो थीटा प्लस एम इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, चेक कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 9 18 0, कोई दिक्कत है, थीटा प्लस एम, देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है, थीटा और एम, अगर मुझे निकालना है तो थीटा और एम में कितनी इक्वेशन बननी चाहिए, 2, अभी कितनी बनी है, 1, क्या कोई और इक्वेशन बना सकते हैं बताइए, कहीं और से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, कहाँ से बना सकते हैं, सुनिए ये वाले ट्राइंगल में आप सोच रहे होंगे ना, है ना, ये वाले ट्राइंगल में तो मैं बना ही चुका हूँ ना, क्योंकि देखो मतलब ये लीनियर पेयर से बनाया था हालांकि, पर अगर इस ट्राइंगल से भी बनाओगे तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2θ और प्लस 2m 180 तब भी आएगा, तो यही इक्वेशन आएगा, तो अब नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आओ जरा चेक करते हैं दूसरे तरीके से, हाँ थीटा थीटा व्हाट, थीटा प्लस एम क्या है, ओहो हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहां से पकड़ में देखिए आ गया क्वेश्चन, पकड़ में आ गया पूरा, वेरी गुड, कह रहे इन्होंने बताया, देखिए कह रहे थीटा प्लस एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो बिल्कुल सही इन्होंने बताया, ये वाला एंगल कितना हो गया, बस काम खत्म हो गया, मैं तो सोच रहा था थीटा और एम को निकालूं, और मेरे ख्याल से पता है वो निकलेगा भी नहीं, पता है क्यों नहीं निकलेगा, सुनो अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं तो एम प्लस एम क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2θ 180, फिर से वही इक्वेशन बनेगा, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगाऊं, चेक करो जरा बड़े वाले ट्राइंगल में, तो एम प्लस एम प्लस थीटा प्लस थीटा, तब भी यही इक्वेशन बनेगा, यानी कि थीटा और एम नहीं मिल सकता है, तो क्या हुआ, थीटा प्लस एम तो मिल सकता है, नहीं समझ में आई, तो थीटा प्लस एम 90 हो गया ना कि नहीं हो गया, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल चेक करिए जरा, क्यू आर पी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, तो अगर एंगल क्यू आर पी अगर ये 90 हो गया तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपो, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है इसमें, हाइपो कौन हो गया, क्यू पी, तो क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, चेक करिए क्या ऑप्शन में कहीं ये आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में,
आ रहा है कि नहीं चेक करिए, पी क्यू बोलो क्यू पी बोलो बात क्या है, सेम। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। करिए एग्जाम्पल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद रीजनिंग। सैंपल प्रॉब्लम वन पेज नंबर 63 पे लेते हैं हम। बोलता है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ओके, बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, ओके। बोलता है इज दिस ट्राइंगल अ राइट एंगल ट्राइंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। और चेक करते हैं, सबका स्क्वायर कर लेते हैं चलो पहले, ठीक, सबका स्क्वायर कर लेते हैं, ओके। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बी सी का स्क्वायर कितना आ गया, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ना इसका भी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर होता है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चेक करो कि जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, क्या वो दोनों छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, सॉरी, जो बड़ा वाला नंबर है बच्चे दोनों नंबर के सम के इक्वल आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, यानी कि क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए ए बी स्क्वायर कितना आया था 576, बी सी स्क्वायर कितना आया था 100, और दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 676 ही तो आता है, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट को। तो हम एक डायग्राम भी बना के दिखाएंगे उसको एग्जाम में, ठीक। चेक करिए जरा, ए सी हाइपो जैसा बिहेव कर रहा है तो ए सी मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए, कोई दिक्कत, तो बी कहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, तो कौन सा एंगल राइट एंगल होगा, बी, ठीक है ना, बिल्कुल। और बी सी का लेंथ कितना है चेक कर लीजिए, 10 है, वो तो बी सी का स्क्वायर है 100, ओके। ए बी, ए बी कितना है 24, ओके, ए बी कितना है, तो ऐसे करके उसको डायग्राम भी हम बना के दिखा देंगे। ए सी कितना है 26, बार बार मैं इधर देख ले रहा हूँ, 26, ओके, ऐसे करके आप एक डायग्राम भी अपने सपोर्ट में बना देंगे, यस। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एट बी, राइट एट बी। करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे ना, अगर हम तुमसे बोले ए बी इंटू ए बी करो तो क्या करोगे, 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम टू पेज नंबर 63 पे बोलता है पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड डी ई एंड डी एफ ऑफ अ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ट्राइंगल कौन है आपके पास, डी ई एफ, चेक करिए जरा, डी ई एफ ट्राइंगल है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। बोलता है P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड DE एंड DF। DE पे कोई पॉइंट P है और DF पे कोई पॉइंट Q है, ठीक है। तो P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स DE एंड DF ऑफ अ ट्राइंगल DEF सच दैट DP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। DP इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर, ओके। आगे पढ़ते हैं, DE इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। DE चेक करिएगा जरा, DE इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ओके। डी क्यू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, डी क्यू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड क्यू एफ इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, क्यू एफ इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। चेक करिएगा जरा, क्यू एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन पूछता है इज पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, क्या पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं, कब पैरेलल होगा, जब याद है बीपीटी, हाँ डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ आ जाए, तभी क्या होगा, पी क्यू पैरेलल ई एफ होगा, पता है ना, बीपीटी लगानी आती है सबको, ठीक है। तो डी ई अपॉन डी पी अपॉन डी ई निकाल लो या डी ई अपॉन डी पी निकाल लो, बात क्या है, सेम, ठीक है। तो चलो हम ऐसे कर लेते हैं, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये आपको क्या करना है, चेक करना है इसको, क्या करना है अभी कि ऐसा है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तब पी क्यू पैरेलल ई एफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सबसे पहले इसके एल एच एस को सॉल्व करते हैं, तो डी पी अपॉन
डी ई इज इक्वल्स टू, चेक करो डी पी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर ओके, और डी ई का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड, 5 वन ज़ा 5 एंड 5 थ्री ज़ा 15, तो आ गया आपके पास क्या डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू वॉट 1:3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फाइंड डी क्यू अपॉन डी एफ ओके, तो डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू, चेक करिए डी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डी एफ कितना है 24, जोड़ देंगे दोनों को, डी एफ के लिए 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, 6 वन ज़ा 6 एंड 6 फोर ज़ा 24, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड 1/4, यानी कि डी क्यू अपॉन डी एफ कितना आ गया 1:4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट dp upon de is not equals to dq upon, क्यों, क्योंकि ये 1/3 के इक्वल है और ये 1/4 के, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे not equal to, तो हम क्या लिखेंगे no pq is not parallel to ef, कर लीजिएगा. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, सैंपल प्रॉब्लम 3 पेज नंबर 63 पे, बहुत इजी है. बोलता है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल FED, ट्राइंगल FED इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओके STU, FED सिमिलर टू ट्राइंगल STU, यानी कि अगर आप डायग्राम बनाओ तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा FED इज सिमिलर टू व्हाट STU, यानी कि F के करस्पोंडेंस कौन सा एंगल है. हाँ तो ध्यान से चेक करिएगा, F के करस्पोंडेंस ऐसे लिखा जाता है, F के करस्पोंडेंस कौन सा एंगल है S, E के करस्पॉन्ड कौन सा एंगल है T, और D के करस्पॉन्ड कौन सा एंगल है U, ओके तो वो आपको पूछता है इज इट ट्रू टू से दैट, कह रहा है ये क्या कहना ये ठीक होगा कि DE अपॉन ST इज इक्वल्स टू EF अपॉन TU, क्या कह रहा है, क्या ये ठीक बात है, क्या ये ट्रू है, चेक करिए जरा क्या ये ट्रू है, चेक करो ना उसको, क्या चेक कर रहे हो, यहां से बनाओ ना जैसे बनाते हो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या बनेगा इक्वेशन FE अपॉन, हाँ FE अपॉन ST इज इक्वल्स टू ED अपॉन अपॉन TU इज इक्वल्स टू व्हाट FD अपॉन SU, चेक करो उसने क्या दिया है DE अपॉन ST, अच्छा DE अपॉन ST तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या डी ई अपॉन क्या होना चाहिए टी यू होना चाहिए, ठीक है डी ई अपॉन क्या होना चाहिए, हाँ तो चेक करो जरा ये वाले पोर्शन को वो पूछना चाहता है आपसे, ऐसा आना चाहिए ऐसा नहीं आना चाहिए, चेक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो क्रॉस कराऊंगा तो क्या आएगा बताइए ई एफ इंटू टी यू, ई एफ इंटू टी यू इज इक्वल्स टू वॉट ई डी इंटू ST, ऐसा कुछ आना चाहिए ना, और इनका मल्टीप्लिकेशन कराओ तो DE किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है TU के साथ, बल्कि TU को किसके साथ मल्टीप्लाई होना है FE के साथ, उनका FE किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ST के साथ, और हम लोग का FE किससे मल्टीप्लाई हो रहा है TU के साथ, और ST किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ED के साथ, ठीक तो हम लिखेंगे सिंस F करस्पॉन्ड्स टू S, E करस्पॉन्ड टू T एंड D करस्पॉन्ड टू U, देन द करेक्ट रेशियो विल बी दिस not this, तो this statement is not true, यानी कि ये क्या है false है. Exercise 6.2 का question number 1, आपको बोला जाता है in the given triangle with side 25 centimeter, 5 centimeter and 24 centimeter, okay? A right triangle, give reason for your answer. क्या ये right angle triangle है, ये साइड दिया ये साइड दिया, ये तीन साइड थ्री साइड्स का लेंथ दिया है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25 और 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब चेक करना है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 625, क्या 625 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 576, ऐड करके चेक करो दोनों को, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो यहां पे क्या लगा देंगे नॉट इक्वल टू, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो
क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर को लेफ्ट में लिख लेते हैं और जो दोनों आते हैं उनको राइट में ऐड कर लेते हैं। अगर बराबर आ जाता है इक्वल टू, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है और दिया गया ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल। और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का सिचुएशन नहीं है। ठीक, कर लीजिए। डन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल DEF, चेक करिए जरा, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ बोला है। क्या बोला है, ट्राइंगल RPQ, ओके, ये सिमिलर दिया हुआ है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें अपने समझने के लिए तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज DEF और यहाँ पे साइड में हम बना लेंगे क्या, चेक करिए जरा, D के करस्पॉन्ड कौन, R, ठीक है, E के करस्पॉन्ड कौन, P, और F के करस्पॉन्ड कौन, Q, ठीक है ना। तो कह रहा है इज इट ट्रू टू से दैट एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। कह रहा क्या ये ट्रू है, चेक करो जरा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल R, चेक करो, D इज इक्वल्स टू R, तो ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक। और F इज इक्वल्स टू एंगल P, F इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, Q, F किसके करस्पॉन्ड है, Q के, तो F इज इक्वल्स टू P, ये क्या है, फॉल्स। कर लीजिए, देखिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। बोलता है A एंड B आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल PQR है, फिर से पढ़ रहा हूं, A एंड B आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। PQ पे पॉइंट A है और PR पे पॉइंट B है, ठीक। इसको चलो ज्वाइन कर लेते हैं। वो आपको आगे बोलता है सच दैट PQ इज इक्वल्स टू 12.5, PQ इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, ओके। PA इज इक्वल्स टू 5, PA इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर। BR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड PB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल्स टू, अभी अभी किया था ऐसा क्वेश्चन एक, बोलता है इज AB पैरेलल टू QR, इज AB पैरेलल टू QR, कह रहा क्या AB QR के पैरेलल होगी, तो वो तो तब होगी जब वो BPT को फॉलो करेगा। तो BPT क्या कहता है, बोलिए, PS, PA अपॉन, PA अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, हाँ, PB अपॉन, अरे भाई इधर अगर PA लिया है तो इधर भी क्या लोगे, PB, PB अपॉन PR, इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहले इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है, तो PA अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, PA क्या है चेक करो जरा, 5, PQ क्या है 12.5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ, जीरो लगाएंगे, 5 से 5 टेंजा, 5 टूजा, 5 फाइवजा, 5 टूजा, 5 फाइवजा इज इक्वल्स टू 2 इज टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, ठीक है, PB अपॉन PR, चेक करिए जरा, PB कितना है 4 सेंटीमीटर अपॉन PR कितना है चेक करिए 10, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 is to 5 ये भी आ गया, तो from 1 and 2, ठीक है, दोनों के RHS सेम है तो LHS भी क्या होंगे सेम, तो PA upon PQ is equals to PB upon, यही इसका रीजन भी है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, AB is parallel to QR, कर लीजिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6.2 में बोलता है BD and CE intersect each other at point P, ठीक है, BD and CE each intersect, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है, बीडी और ईसी एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओके, कह रहा, और ये सब आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, पीडी का लेंथ दिया है, ईपी का लेंथ दिया है, बीपी का लेंथ दिया है, सीपी का लेंथ दिया है, आपको पूछ रहा है इस ट्राइंगल पीबीसी, इस ट्राइंगल पीबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल
PDE. कह रहा है गिव रीजन फॉर टू सपोर्ट योर आंसर. ओके, क्या ट्राइंगल चेक करिए जरा, PBC, क्या ट्राइंगल PBC सिमिलर है किसके, PDE के. हाँ बताइए सिमिलर है कि नहीं है, कौन सी सिमिलरिटी आपको समझ में आ रही है कि लगा दें. हाँ यस, SAS समझ में आ रही है, तो किसको चेक करेंगे, SAS को चेक करेंगे. साइड एंगल साइड क्या कहता है, क्योंकि दोनों के तो एक एंगल इक्वल होने चाहिए, तो चेक करो, चेक करो जरा एंगल BPC इज इक्वल्स टू एंगल EPD. BPC इज इक्वल्स टू एंगल EPD. व्हाई, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, तो एंगल तो इक्वल हो गए, तो इस एंगल को बंद करने वाले जो साइड्स होंगे, इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स होंगे, उनका रेशियो निकाल लेते हैं. चलो तो BP अपॉन PC निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, BP अपॉन PC. चलिए निकाल लेते हैं BP. BP कितना है 5 और PC कितना है 6. इसको 1 बना के छोड़ देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो. अब यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल था, और इस एंगल को बंद करने वाले साइड कौन कौन से, PD और. तो सुनो अब देखो, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, या तो PD अपॉन PE निकाल लो, या तो PE अपॉन PD निकाल लो, कुछ भी आप निकाल लो. और अगर आपको सटीक ना बैठे तो रेसिप्रोकल कर लेना, बस मैच करना चाहिए. जब मैच कर जाएगा तो बताऊंगा मैं भी क्या होगा, रुक जाओ. आप बताइए मैं क्या करूं, चलो बताओ मैं क्या करूं, मैं PD अपॉन PE निकाल लूं, या मैं PE अपॉन PD निकाल लूं, जो मन हो बताओ. ठीक है, ऐसा आपके मन में इसलिए आ रहा होगा, बच्चे बता रहे हैं कि PD अपॉन क्या निकाल लूं मैं, PE. ऐसा बच्चों के मन में इसलिए आ रहा होगा कि 10 ऊपर आ जाएगा, PD का लेंथ कितना है 10 और PE कितना है 12, और ऐसा कैंसिल करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 5. हाँ, तो इससे आपका सटीक बैठ जाएगा. फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू व्हाट, PD अपॉन PE. अब ध्यान से चेक करिए जरा, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तो एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल D के, और रेशियो क्या इक्वल होना चाहिए, PB अपॉन BC इज इक्वल्स टू आना चाहिए किसके, PD अपॉन DE के आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि B को कौन बंद करता होगा, PB और हाँ बंद तो करता होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एक्चुअल में एंगल P की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, एंगल P की बात हो रही है, लेकिन आपने यहां से देख तो लिया क्या. चलो अगर अभी भी परेशानी है, आप ऐसे देख लो, आप जो करते हो वो कर लो, क्या PB अपॉन BC इज इक्वल्स, चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, PB जैसे करते हो आप वैसे कर लो, अभी आपको मिल जाएगा. PB अपॉन PD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE इज इक्वल्स टू PC अपॉन PE. चेक करो क्या इसमें से कुछ रिलेशन आपको बन रहा है, जो अभी अभी आपने फ्रॉम 1 एंड 2 से LHS इक्वल किया था. BP अपॉन PC टाइप का आ रहा है कहीं पे, चेक करिए जरा, BP अपॉन PC टाइप का, यस आ जाएगा, किससे, फर्स्ट और लास्ट से. तो फर्स्ट और लास्ट रिलेशन है आपके पास क्या, PB अपॉन PD इज इक्वल्स टू व्हाट, PC अपॉन PE. PC को इधर ले आओ और PD को इधर भेज दो, तो ऐसा बन जाएगा, पर इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है. आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल क्या आ गए, इक्वल, और उस एंगल को बंद करने वाले साइड्स के रेशियो भी क्या है, इक्वल. यानी कि BP अपॉन PC जो था वही क्या है, PD अपॉन PE है. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है. अच्छा, इसमें मैं खास बात एक और करना चाहता हूं कि ठीक है, सुनिए जरा खास बात क्या है, ध्यान से सुनिए जरा खास बात क्या है. खास बात इस क्वेश्चन में ये, अभी तो हो गया और ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो गया बाय साइड एंगल साइड. अब खास बात सुनिए जरा, खास बात ये है कि अगर वो एग्जाम में ऐसा दे देता, ट्राइंगल PBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPE, तो क्या अभी भी सिमिलर होता, बताइए. साफ साफ दिख रहा है नहीं होता, कैसे, अरे भाई क्या एंगल P एंगल D के इक्वल हो जाएगा, चेक करो P क्या D के इक्वल हो जाएगा, हो भी सकता है, मना नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अभी तो उसने P की वैल्यू दी है ना, तो उससे सामने वाले P की तो आ सकती है, D के बारे में तो कभी कोई निकल ही नहीं सकता है, D का एंगल तो, ठीक है.
पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहां से रिजल्ट निकालूं तो क्या आएगा बताइए, पी वी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन, ये रिजल्ट जो आया है क्या आपके रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? चेक करिए जरा, क्या आपके ये वाले रिजल्ट को सपोर्ट कर रहा है कि बी पी अपॉन पी सी आपको कहीं मिलता हो, बी पी अपॉन पी सी आपको कहीं मिलता हो? हाँ मिल सकता है, किससे किससे? पहले वाले और लास्ट वाले से। तो चलो जरा बना के देखते हैं, पी बी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन वॉट डी ई। अब पी सी को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी सी, और डी पी कहाँ चला जाएगा, इधर डी पी अपॉन डी ई। चेक करिए क्या आपके रिजल्ट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए पी बी अपॉन पी सी तो पी बी अपॉन पी सी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आ रहा है, पी डी, मेरा भी क्या आ रहा है, पी डी, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, डी ई, और यहाँ क्या आ रहा है, पी ई। तो हमारे रिजल्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सिमिलर नहीं होंगे। तो ये ऐसा देगा तो नहीं सिमिलर होंगे, लेकिन ऐसा देगा तो सिमिलर होंगे। कर लीजिए, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 6.2 में 64 पेज नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बोलता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एम एस टी, चलिए बना लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर एंड वॉट एम एस टी। ओके सुनिए ध्यान से, ये चीजें आपको दी हैं। एंगल पी कितना है 55, ये कितना है 55, एंगल क्यू कितना है 25, ओके एंगल एम कितना है 100, एंगल एम कितना है 100 है, एंगल एस कितना है 25। अब सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए वो कहता है इज क्यू पी आर इज सिमिलर टू टी एस एम। सुनिए, नाम लिखने का स्टाइल ठीक होना चाहिए तभी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। उसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर? क्या पढ़ा है आपने, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, यानी कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी कि क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, टी के। चेक करो जरा, क्या क्यू टी के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि देखिए टी आप निकाल तो सकते हो ना, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, तो आप 180 से 125 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 55। ओके तो ये एंगल कितना आ गया 55, ठीक। तो यहीं से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फेल नहीं हो गया। और चेक कर लो आप, अगर मैं इसको निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 55, नो सॉरी ये कितना आ जाएगा 100 भाई, 55 प्लस 25 करके 180 से माइनस कर दोगे ना, 55 प्लस 25 80, और 180 माइनस 80 कितना आ जाता है 100, ठीक है। चेक कर लीजिए जरा एंगल पी, चेक करिए जरा एंगल पी किसके इक्वल होना चाहिए था, एस के। तो पी क्या एस के इक्वल है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। सुनो, अगर फॉल्स हो गई तो कहता वाई, ठीक वाई, तो आप लिख दो कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, वाई का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ इक्वल हो पाए। तो असली में स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, चेक करिए P 55, और कौन है 55, T, ठीक है। तो P की पोजीशन कौन लेगा, T, ठीक। Q, Q कितना है 25, यहां पे को 25 कौन है, S, R, R कितना है चेक करिए 100, यहां पे क्या है 100 M, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी एस एम। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। करिए स्टेटमेंट दिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कह रहा नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या ट्रू है, चेक करिए। कहता है टू कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा, वो ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, कोऑर्डिनेटर्स की। कह रहा है टू कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट ट्राइंगल के लिए तो ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट ट्राइंगल के लिए तो ट्रू होता है कि भाई दो ट्राइंगल है आपके पास, है ना, लेट अस से ए बी सी, सबको पता है कि अगर, और दूसरा ट्राइंगल है क्या आपके पास पी क्यू आर, सबको पता है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये हमें किसके लिए पढ़ाया गया है, ट्राइंगल के लिए, ओके। यानी कि ए अगर पी के इक्वल है, बी अगर क्यू के इक्वल है, और सी अगर
आर्क इक्वल तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं हाँ भाई दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में हमें चेक करना पड़ेगा। ओके तो चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड्स होते हैं, तो चलो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है ठीक, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल चलो ऐसा मैंने बना दिया लो ठीक, इसका नाम रख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ओके इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऐसा ये खुद ही बोल रहा है ना, ठीक है ना। तो चेक करिए, मान लेते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल ध्यान से देखिएगा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के ठीक, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के मान लेते हैं ठीक है, और एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल एस के ठीक है। अब सुनिए, क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे, तो आंसर है नहीं सिमिलर होंगे। सुनो, क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होने के लिए ना एक और शर्त होती है, जब क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हो तो एंगल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होने ही चाहिए, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। बता रहा हूं इसका मतलब, ये पढ़ा भी चुका हूं मैं क्लास में, करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल के केस में एंगल तो इक्वल होने ही चाहिए करस्पॉन्डिंग, एज वेल एज करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड बताइए मुझे पी क्यू, यानी कि ए बी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, पी क्यू के। कुछ याद आया, प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं और क्या लगाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के आ जाएगा यहाँ पे, के इंटू पी क्यू, और फिर क्या निकाल लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, कॉन्स्टेंट के। ये बन गई इक्वेशन नंबर वन। और इसी तरीके से ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी एस के। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ए के एंड पे जो एंगल पड़ा है वो पी के, पी एस के एंड पी पे पड़े एंगल के क्या है, इक्वल। ठीक, ए डी के एंड पे जो एंगल पड़ा है यानी कि डी, वो पी एस के एंड एस पे पड़े हुए एंगल के क्या है, इक्वल है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ए डी किसके प्रोपोर्शनेट है, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, ऐसा अगर हो जाए, ऐसा अगर हो जाए तो फिर से, अच्छा इसको हटा लोगे यहाँ क्या आएगा, कॉन्स्टेंट के, तो क्या बनेगा, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू वॉट के, ये इक्वेशन नंबर टू बन गई। ठीक, इसी तरीके से बी सी, अब कर लोगे बताओ, बी सी अपॉन क्यू आर क्या आना चाहिए, कॉन्स्टेंट के, ये थर्ड बन गई। ठीक, और इसी तरीके से चेक करिए जरा, सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, अगर ऐसा, अच्छा ये के क्या होता है, कॉन्स्टेंट होगा, कैसा, 1:2, 2:1, 3:2, 9:7 कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आता है। अगर इन्होंने हमें इस दोनों क्वाड्रिलेटरल में इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देने के बाद ये भी बोल दिया होता क्या, एंड करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनिए, ये जो बोलता है ना करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी प्रोपोर्शनल, यानी कि ए बी किसके प्रोपोर्शनेट है, क्यूपी के, वहां से एक वैल्यू निकल के आता है क्या, कि ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट, और इसी तरीके से ए डी अपॉन पी एस क्या होगा, कॉन्स्टेंट, बी सी अपॉन क्यू आर क्या होगा, कॉन्स्टेंट, सी डी अपॉन आर एस क्या होगा, कॉन्स्टेंट। यानी कि जब भी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं तो आप एक और स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, क्या, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। देखिए, चाहे ये स्टेटमेंट लिखा हो और चाहे क्या लिखा हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, चाहे ये स्टेटमेंट लिखा हो और चाहे क्या लिखा हो, करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इन इक्वल रेशियो, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि प्रोपोर्शनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया और वहां से मैंने रेशियो ले लिया। तो क्या इन्होंने आपको ऐसा बोला, नहीं बोला, केवल क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, याद रखिएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, इन क्वाड्रिलेटरल करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट ऑल्सो बी, और ऐसा तो उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा एक काम वो और कर सकते थे, आपको दो डायग्राम दे देते, अब आप समझ गए होंगे, लेंथ दे देते ए बी का, फिर लेंथ दे देते किसका, और बोल देते करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब वो तो आपको पता ही चल जाता है, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के, एंड सो ऑन टू, सबका लेंथ दे देते, आप रेशियो निकाल लेते, और अगर सबके रेशियो सेम आते तो दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या होते, सिमिलर, नहीं तो नहीं। तो याद कर लीजिए, ट्राइंगल के केस में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बहुत ज़रूरी कंडीशन क्या है कि एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, इसको आप बना लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th आपको बोलता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलता है टू साइड्स एंड द पैरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल, टू साइड्स एंड पैरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो, पहले मैं डायग्राम बना दूं तब मैं आपको समझाता हूं। ओके, चेक करिए जरा इधर, लेट अस से कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, पीक्यूआर। जानबूझ के मैं पीक्यूआर को छोटा बना रहा हूं, पता है क्यों? वो कहता है टू साइड्स ऑफ द पैरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल, तो ये वन ट्राइंगल है यानी कि पहला, और ये क्या है, दूसरा, तो इसके दो साइड्स कोई भी आप चूज कर लो, लेट अस से मैं चूज कर रहा हूं ए बी और ए सी, तो ए बी का लेंथ मैं मान ले रहा हूं कि क्या है, एक्स है, और ए सी का मैं लेंथ मान ले रहा हूं कि क्या है, वाई है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके ओके, और क्या आप इसका पैरीमीटर निकाल सकते हैं, क्या आप इसका पैरीमीटर निकाल सकते हैं? अरे आपके सामने ही तो है x प्लस वाई प्लस बी सी, तो चलो इसका पैरीमीटर भी निकाल के रख ही लेते हैं। ठीक, चेक करिएगा जरा, इसका पैरीमीटर मैं निकाल लेता हूं, इसको मैं पी वन से दिखा दूं, पी वन से मैंने क्या दिखाया बताओ, फर्स्ट ट्राइंगल के पैरीमीटर को, करेक्ट। और पैरीमीटर निकालना आप लोगों को आता है बड़े अच्छे से, कैसे निकालते हैं मैं लिख दे रहा हूं, P1 क्या है बोलिए, P1 क्या है, पैरीमीटर ऑफ द व्हाट, फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैं शॉर्ट में ऐसे बना रहा हूं, आप इंग्लिश में लिखेंगे T R I A N G L E। ओके, सुनिए ध्यान से, तो P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x, पैरीमीटर तो समझते हो ना, तीनों की लेंथ ऐड कर देंगे, तो x प्लस y प्लस क्या होना चाहिए, बी सी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या आप BC का लेंथ बता सकते हो मुझे, किसके टर्म्स में, पैरीमीटर के टर्म्स में, बिल्कुल बता सकते हैं, X को इधर ले जाएंगे और Y को भी इधर ले जाएंगे, करेक्ट, तो BC का लेंथ आ जाएगा। चलो निकाल के रख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चेक करिएगा जरा, BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P1 माइनस X माइनस Y, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन को पढ़ो, कहता है टू साइड्स एंड द पैरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पैरीमीटर ऑफ द अदर ट्राइंगल। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आया, एक काम करते हैं, जो यहां पे किया है ना वो इस ट्राइंगल के लिए कर लो, क्योंकि इसके जो दो साइड्स हैं और इसका जो पैरीमीटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे वाले पे, इसके वाले के साइड और इसका जो पैरीमीटर वो 3 टाइम्स है किसके, दूसरे के। तो एक काम अगर कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, पता है क्या, कि PQ को X मान लेते और PR को क्या मान लेते, Y। चलो दूसरे ट्राइंगल को पहले अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल का पैरीमीटर कितना अज्यूम कर लेते, P। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, आप एक काम करिए, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, लेट कैपिटल पी द पैरीमीटर, पी बी द पैरीमीटर ऑफ द, इसका पैरीमीटर कितना है सेकंड का, पी बी द, पी बी द, लेट पी बी द, लेट पी बी द पैरीमीटर ऑफ व्हाट, सेकंड ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल के साइड्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सेकंड पे, है ना। तो चलो इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा अजम्पशन गलत तो नहीं हुआ, फिर उसको दूसरा कुछ मानना पड़ता है, वो बहुत परेशान करता है। ओके चलो फिर से पढ़ते, कहता है टू साइड्स ऑफ द एंड द पैरीमीटर, किसकी किसकी बात कर रहा है, दो साइड्स की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, किसके, पहले ट्राइंगल के, इनकी हालत क्या है, आर रेस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड पैरीमीटर ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि इसके जो साइड्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग कौन, ये, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x, ये क्वेश्चन है, ठीक। और अगर PR के करस्पॉन्डिंग हमने किसको माना है, AC को, तो PR अगर y है तो AC भी कितना हो जाएगा, 3y, कोई दिक्कत है बताइए। और
पहले वाले का जो पैरीमीटर है वो भी क्या है दूसरे वाले के, 3 times है। तो अगर इसका पैरीमीटर कितना है, पी है, तो इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा, 3p। अच्छा कोई दिक्कत है? हाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे चेक करिएगा जरा, पैरीमीटर क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे बोलिए, x प्लस वाई प्लस क्यू आर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा बताइए, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी माइनस एक्स माइनस, भाई ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे ना दोनों, नहीं समझ में आई? तो क्यू आर का वैल्यू आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बना लो, 1। यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपसे बोला 3p क्या है, तो 3p पहले ट्राइंगल का पैरीमीटर है, क्योंकि पहले ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या था, दूसरे वाले का 3 times, और दूसरे वाले को आपने क्या माना, p, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 3p। क्या आप पहले वाले ट्राइंगल के पैरीमीटर को कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, 3p इज इक्वल्स टू व्हाट, 3x प्लस 3y प्लस bc। अब मैंने आपसे पूछा bc निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, bc इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 3p माइनस 3x माइनस 3y। ठीक है, एक काम करके रख लीजिए, अभी से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो गया, p माइनस ओके x माइनस वाई, इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से चेक करिए, अब वो पूछ रहा है, हालांकि मैंने यहां लिखा नहीं है, सुन लीजिए, ये कंडीशन थी, वो पूछता है कि आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर हैं तो क्यों हैं? तो आइए जरा चेक करते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। तो भाई एंगल की तो कोई इन्फॉर्मेशन उसने दी नहीं है, तो एंगल वाला फंडा तो नहीं लगा सकते। दूसरा क्या है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाए, इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। तो चेक करते हैं हम कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या इक्वल आ रहे हैं, आइए जरा चेक कर लीजिए। ठीक, चेक करिए जरा, चेक करिए, ए बी अपॉन बोलिए पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, बोलिए ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, बी सी अपॉन क्यू आर आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए तभी वो क्या होंगे, तो चलो इसको क्या करना है, तुमको चेक करना है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम ए बी अपॉन पी क्यू चेक कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू चेक कर लेते हैं। ए बी का लेंथ कितना अज्यूम किया था आपने, अज्यूम नहीं किया था, 3x आया था, अज्यूम तो किसको किया था, पी क्यू को। ठीक है, तो ए बी क्या आ गया आपके पास, 3, और पी क्यू क्या है, x, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बना है वो ए बी अपॉन पी क्यू कितना बना है, 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 तो पहले बना चुके हो आप, आप इसको बना लीजिए 3। ओके, सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं ए सी अपॉन पी आर। ए सी चेक करिए, ए सी आपको 3y मिला था, पी आर आपने अज्यूम किया था, तो 3y अपॉन y, y से y कैंसिल हो गया, और दिस इंप्लाइज कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बी सी अपॉन क्यू आर चेक करिए जरा, बी सी अपॉन क्यू आर चेक करिए, बी सी कितना है चेक करिए, बी सी अभी अभी तो आपने निकाला है, कहाँ गया, ये रहा क्या, 3 इन द ब्रैकेट p माइनस x माइनस y, तो 3 इन द ब्रैकेट x माइनस, सॉरी 3 इन द ब्रैकेट p माइनस x माइनस y, और चेक करिए जरा qr कितना है, चेक करिए p माइनस x माइनस y, p माइनस x माइनस y, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज कि bc अपॉन qr कितना आ गया बताइए, 3। तो दिस इज इक्वेशन 5th। अब आप फ्रॉम 3rd, 4th and 5th आप देखते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू वॉट, 3:1। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो आज के बाद याद रखिएगा, एक रूल बन गया यहाँ से क्या, कि अगर दो ट्राइंगल दिए हों और पहले वाले ट्राइंगल का कोई भी दो साइड दूसरे वाले साइड, पहले वाले ट्राइंगल के दो साइड और पैरीमीटर दूसरे वाले ट्राइंगल के अगर कुछ भी हो जाए, 3 times हो जाए, 4 times हो जाए, 5 times हो जाए, 6 times हो जाए, 100 times हो जाए, 1 lakh time हो जाए, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और होते कितने हैं, तो आंसर है उतने ही होते हैं जितने टाइम्स वो बोलता है। उसने कितना बोला, 3 times, तो आंसर क्या है, 3:1। वो अगर बोलता 1 lakh time तो आंसर क्या था, 1 lakh is to 1। अगर वो बोलता 2 times तो आंसर क्या था, 2:1। तो आज के बाद अगर ट्रू एंड फॉल्स में आए तो सीधे टिक लगाइएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
ठीक है, और अगर सॉल्व करने के लिए दिखा है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 64 पे आपको बोलता है, मैं लिख नहीं रहा हूं आप सुन लीजिए, बोलता है इन टू राइट ट्राइंगल्स, ओके दो राइट ट्राइंगल्स हैं, चलो भाई हम भी बना लेते हैं। यहां पे राइट है 90 डिग्री लेट अस से पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास लेट अस से ए बी सी, ओके। बोलता है इन टू राइट ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है 90 से कम है पक्का, तो कह रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि इसमें से आप चाहे ये वाला ले लो और चाहे ये वाला ले लो, ठीक, कौन सा लेना पसंद करोगे जल्दी बताओ, बोलोगे भी नहीं, चलो मत बोलो भाई, ठीक है। एंगल पी ले लिया सपोज मैंने, एंगल पी एक्यूट है कि नहीं है, तो वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द सेकेंड, यानी कि इसका एक एक्यूट एंगल उसके किसी एक एक्यूट एंगल के क्या है, इक्वल है, तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो पी को सपोज चलो मैंने मान लिया कि सी के इक्वल है, ठीक ठीक है ना, तो बताओ क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हाँ एंगल एंगल से, क्योंकि अगर भाई ये 90 90 के इक्वल है और ये अगर इसके इक्वल है, ठीक, तो ये जो भी बचा होगा वो बचे वाले के क्या होगा, इक्वल, नहीं पता ये बात आपको, हाँ कि भाई ये रहा 90 और इसको अगर x माना था तो ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री, इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, चेक करो एंगल सम प्रॉपर्टी से, x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल r इज इक्वल्स टू व्हाट, 180, 90 जाके उधर माइनस हो जाएगा और x भी जाके उधर माइनस होगा, तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90, और x जाके माइनस होगा तो 90 डिग्री माइनस या फिर 90 माइनस x डिग्री किसका वैल्यू आ गया, r का, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 90 माइनस एक्स डिग्री, ए का वैल्यू निकालो चेक करो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है 90 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 जाके उधर माइनस होगा 180 माइनस 90 90 होता है एक्स माइनस होगा, तो ए भी कितना आ गया, तो क्यों ये बात आपको नहीं पता, किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो बचा वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा इक्वल, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बिल्कुल हाँ सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल, बस खत्म। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बताओ कि कौन किसके सिमिलर है, तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू, नाम रखने का स्टाइल बताइए, पी की पोजिशन कौन लेगा सी, क्यू की पोजिशन कौन लेगा बी, और आर की पोजिशन कौन लेगा, ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए, तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आया तो ट्रू स्टेटमेंट आपको उसमें लिखना है, करिए। बोलता है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, नहीं बोला है उसने टू सिमिलर ट्राइंगल बोला है, ठीक है ना, यानी कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स ऑफ, ऑल्टीट्यूड की क्या विशेषता होती है, ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है ट्राइंगल का, यस ये किसी वर्टेक्स से निकलता है और सामने वाले ट्राइंगल के साइड पे क्या होता है 90 बनाता है, चाहे ये ट्राइंगल के अंदर आता है और चाहे ये ट्राइंगल के बाहर आता है, तो हम अंदर वाला केस लेके चलेंगे और एक्सटीरियर इंटीरियर सब मैं पहले ही करा चुका हूँ आरडी शर्मा से, तो ये रिवीजन है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूँ, सबसे पहले लेट अस से ट्राइंगल पी क्यू आर और ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर, किसने बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। अच्छा इसका ऑल्टीट्यूड कैसे आएगा, ये रहा आ गया ऑल्टीट्यूड इसका 90 बना रहा है, क्या ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा, हाँ जी नहीं, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि पी एम क्यू आर को बाइसेक्ट करता है या नहीं, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, करता किस में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, याद है, और इसने ऐसा तो बोला नहीं कि ये दोनों आइसोसेलेस है, तो छोड़ो कर भी सकता नहीं भी, तो वो अलग बात है, ठीक है, तो ए एन, ठीक। अच्छा ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, और खास बात सुनिए, क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर थे इसलिए एंगल पी किसके इक्वल था ए के, एंगल क्यू किसके इक्वल था बी के, नहीं था, और एंगल आर किसके इक्वल था सी के, चेक कर लीजिए। अब सुनिए बोलता है इनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो कितना है 3:5, यानी कि PM अपॉन वॉट AN, ऑल्टीट्यूड का रेशियो PM अपॉन AN कितना दिया हुआ है 3:5। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ,
उसने आपको पूछा है इज इट करेक्ट टू से दैट देयर एरियाज, ये तो हालांकि ठीक से नहीं लिखा है इन्होंने, पर पूरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था सुनिए, इज इट करेक्ट टू से दैट देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 6:5, क्या ये कहना ठीक होगा कि उनके एरिया का रेशियो 6:5 है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या 6:5 होगा? सुनो, हम ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे, हम निकाल के चेक करेंगे, ओके? और सुनिए एक बात, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपने थ्योरम पढ़ा है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं बता भी चुका हूँ क्लास में, वो उनके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होता है। सुन लिया आपने? ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर अपॉन, बोलिए, ए बी स्क्वायर, ये क्या है भाई, पी क्यू चेक करो, अभी तो मैं साइड ले रहा हूँ, पी क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये तो आप पहले पढ़ के आए हो, ये क्या लिखा हुआ है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो आपको पहले ही पता है, एक नई चीज सुनिए जरा, और रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्लास में कराया भी है, क्या कि ये जो एरिया का रेशियो होता है ये उन ट्राइंगल्स के ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होता है। सुन लिया सबने? ठीक, यानी कि क्या होना चाहिए, पहले ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कौन है, पी एम, तो पी एम का स्क्वायर अपॉन वॉट, PM का स्क्वायर अपॉन AN का स्क्वायर, ऐसा भी होना चाहिए। इसको मैं क्लास में प्रूफ करा चुका हूँ, तो प्रूफ तो मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है, बस अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे, तो क्या मिला आपको फाइनल रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, PM का स्क्वायर अपॉन AN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, PM अपॉन, बोलिए, ए एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन ए एन, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स इज इतना, ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया है, यानी कि क्या दिया हुआ है, पी एम अपॉन ए एन दिया हुआ है, तो पी एम अपॉन ए एन की जगह आप क्या रख सकते हो, हाँ 3/5, और स्क्वायर लगाए तो लगा देंगे, आंसर क्या आ गया, एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए, 9:25, लेकिन दिया क्या है उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए मुझे जरा क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन कि इनके करस्पॉन्डिंग, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना होगा, यानी कि पी क्यू अपॉन ए बी कितना होगा, बता सकता है कोई, वेरी गुड, PQ अपॉन AB कितना होगा, 3/5 होगा, यानी कि जो ऑल्टीट्यूड का रेशियो होता है वही उनके साइड्स का भी रेशियो होता है, समझ में आई बात, ये होता है ऐसा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोलता है D इज द पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके, तो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR और D इज द पॉइंट ऑन द साइड QR, ओके, तो QR पे कोई पॉइंट क्या है, DA, ठीक है, सच दैट PD इज परपेंडिकुलर टू QR, चेक करिए जरा, PD इज परपेंडिकुलर टू क्या, QR, कह रहा है इज इट करेक्ट टू से दैट ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPD, PQR इज सिमिलर टू, यानी कि पूरा बड़ा वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPD, क्या ये बड़ा वाला इस छोटे वाले के सिमिलर होगा, बताइए, यस, क्यों, कारण बताइए, अच्छा कौन सी थ्योरम है बताइए जरा, हाँ नहीं थ्योरम तो है, बिल्कुल ठीक आपने गेस किया, इसीलिए वो क्वेश्चन ही पूछ रहा था, ठीक है, इसीलिए वो क्वेश्चन ही पूछ रहा था, थ्योरम है, लेकिन थ्योरम पता है क्या है, देखो मैंने आपको ये बताया ना कि ये आपस में तो सिमिलर होते ही हैं और बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं, यही पढ़ाया गया था, ठीक है ना, और वो ये पूछ भी रहा है कि भाई पी क्यू आर जो है बड़ा वाला जो है क्या वो RPD के सिमिलर है, तो आपके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा कब होता है, पढ़ाया कुछ और था आपने ध्यान ही नहीं दिया, एंगल P को क्या होना चाहिए उसके लिए 90 होना चाहिए, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर
ये 90 है और 90 वाले वर्टेक्स से अगर सामने परपेंडिकुलर डाला जाता है तब ये इसके सिमिलर होता है और आपस में भी तीनों सिमिलर होते हैं। क्या उसने कहीं पे बोला है पूरे क्वेश्चन में कि द गिवन ट्राइंगल इज राइट एट एंगल पी? नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ट्रू कब हो जाता? जब ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता? राइट, वो भी कहां पे होता? पी पे। समझे बात? तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि एंगल पी हाँ पी इज नॉट 90 डिग्री या नॉट राइट एंगल। ध्यान रखना इस बात का। करिए क्या ट्राइंगल ए डी ई ए सी बी के सिमिलर है? ए डी ई ए सी बी के सिमिलर है, बताइए। बहुत इजी है। तभी होगा जब ए किसके इक्वल हो? ए के है। तो ट्राइंगल ए डी में ई में जो एंगल ए है वही ए बी सी के लिए भी एंगल ए कॉमन है। और बी किसके इक्वल दिया है? सी के। तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली क्या होगा? इक्वल। छोटे वाले में कौन बचा? एंगल ई। और बड़े वाले में कौन बचा? एंगल बी। तो नाम क्या पढ़ना चाहिए? पहले अपना बना लो और फिर उससे मैच करा लो। अगर मैच कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए तो आप फ्री हो, ट्राइंगल ए डी ई। और दूसरे वाले को चेक कर करके लिखते हैं। दूसरा वाला ए की पोजीशन कौन लेगा? ए। बी की पोजीशन कौन लेगा? सी। और ई की पोजीशन कौन लेगा? बी। यही पूछा है उसने। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए सी बी, यस ट्रू होगी। और कौन सा क्राइटेरिया लगा था आपको बताया था? एंगल एंगल की एंगल 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 हाँ एंगल। तीसरा तो आपने निकाला, दो एंगल इक्वल दिए हुए। एक तो सीधे बोला था डी इक्वल टू सी और दूसरा ए तो कॉमन था। एंगल एंगल क्राइटेरिया कभी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। आपको बोला जाता है इज इट ट्रू टू से दैट इफ इन टू ट्राइंगल इफ इन टू ट्राइंगल कोई भी दो ट्राइंगल है चेक कर लीजिए, कोई भी दो ट्राइंगल है ए बी सी और लेट अस से कि दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, कोई भी दो ट्राइंगल है। कह रहा है कि इफ इज इट ट्रू टू से दैट इफ इन टू ट्राइंगल वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि वन एंगल ऑफ अ वन ट्राइंगल इज वन एंगल वन ऑफ अ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। मान लो कि एक इसके इक्वल है क्यू के, चलो मान लो। कहता है एंड टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल एंड टू ट्राइंगल्स सॉरी टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि इसके कोई भी दो साइड इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो क्या है? सेम। ठीक है, यानी कि देखो इसके कोई भी दो साइड इसके किसी भी दो साइड के क्या है? किसी भी ध्यान से सुनो जरा। यानी कि चलो हम मान लेते हैं जब वो किसी भी कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि ए बी ए बी किसके प्रोपोर्शनेट है? चलो पी क्यू के। ठीक, और इसी तरीके से ए सी किसके प्रोपोर्शनेट है? ए सी किसके प्रोपोर्शनेट है? किसी के भी मान लो ना, किसके मानने बताओ, किसी के भी मान लो, मर्जी आपकी। पी आर के मानना चाहते हैं क्योंकि वो कह रहा है किसी के भी ना, यानी कि इसकी कोई भी दो साइड उसकी किसी भी दो साइड की क्या है? प्रोपोर्शनेट। चलो मैंने मान लिया कि ए सी सॉरी ए बी इज प्रोपोर्शनेट टू वॉट पी क्यू और फिर ए सी इज प्रोपोर्शनेट टू
पी आर मैंने मान लिया, ठीक है। अब सुनिए, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट, और इसी तरीके से ए सी अपॉन पी आर क्या होगा, यानी कि आ क्या रहा है आपका, चेक करिए जरा, फ्रॉम वन एंड टू, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, फ्रॉम वन एंड टू चेक करिए जरा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ऐसा आ रहा है। अब सुनिए, ठीक ठीक, आपने क्या पढ़ा था, साइड एंगल, अच्छा साइड एंगल साइड ही लग सकता होगा और कुछ तो लगेगा नहीं, तो साइड एंगल साइड में आपने ये पढ़ा था कि एंगल एक इक्वल होना चाहिए, चलो है भाई इक्वल, और एंगल को बंद करने वाली जो साइड्स होती है, एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी कि एंगल को बंद करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि ए बी किसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, क्यू आर के या तो क्यू पी के किसी के भी, और ए सी किसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए था, क्यू आर के, क्योंकि चेक करो ना इसको कौन बंद करता है, अरे आप ऐसे कर लो, इसको कौन बंद करता है, ए बी और ए सी, तो क्या आना चाहिए था, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल, इसको कौन बंद करता है, क्यू आर और क्यू पी, तो क्या आना चाहिए था, क्यू आर अपॉन क्यू पी, या तो क्यू पी अपॉन क्यू आर, तब भी चल जाता, लेकिन ऐसा मिल रहा है क्या आपको कहीं, चेक करिए जरा, आपको तो क्या मिल रहा है, हाँ ए बी अपॉन, चलो ए सी को इधर ले आओ, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी क्यू अपॉन पी आर, मिला क्या, हाँ मिल गया, कहाँ मिला, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था, क्यू आर अपॉन क्यू पी, और क्या आ गया, क्यू पी अपॉन क्यू पी आर आ गया, ये तो कुछ अलग आ रहा है, ऐसा आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो मोटी मोटी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई उसने क्या बोला, एक एंगल पहले ट्रायंगल का कोई एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल, ठीक, और क्या बोलता है, कोई भी दो साइड किसी भी दो साइड के प्रोपोर्शनल है, ऐसे कैसे थे, कोई भी दो साइड थोड़ी ना होती है, कौन सी साइड होती है, वो साइड्स होती हैं जो किसको इंक्लूड करती हैं, एंगल को, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि उनका साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझ में आई बात, तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन करेंगे, कहता है इज इट ट्रू टू से दैट इन टू ट्राइंगल्स एंड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, यहाँ से जो लिखा है उसने, एंड टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, इसमें तो कोई भी दो साइड आ जाएंगी ना, और नई बात, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, कह रहा देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नो फॉल्स, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कोई भी दो साइड में तो, अच्छा रीजन क्या दोगे, लिखोगे पहले नो और रीजन दोगे, आप बोलोगे एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू पेयर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड, एंगल शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि वो एंगल किसके बीच में बंद होना चाहिए, उन साइड्स के बीच में बंद होना चाहिए जो साइड्स आपस में क्या है, जिन साइड्स के पेयर क्या है, प्रोपोर्शनल है, या जिन साइड्स के रेशियो क्या है, सेम, समझ में आई बात, कोई भी दो साइड से काम नहीं चलेगा, ओके करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है लेग्स ऑफ आर राइट लेग्स लेग्स ब्रैकेट में लिखा है साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज, ओके, तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बची हुई लेग्स कितनी कितनी है, आर ऑफ लेंथ 16 एंड 6, ओके, तो लेट अस अज्यूम कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास और नाम क्या है इसका ए बी सी, बी पे राइट है, ओके, और हाइपो को छोड़कर बाकी लेंथ आपको दी हुई है, कितनी कितनी दी है 16, तो चलो ए बी को हम क्या मान लेते हैं 16, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, ठीक, और बी सी कितना है 8 है, क्वेश्चन में 8 दिया गया, ओके करेक्ट कर लीजिए, ठीक है 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, आपको बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, ओके सुनिए, सर्कमस्क्राइब नहीं बोला है, इंस्क्राइब बोला है, इंस्क्राइब मतलब अंदर बनेगा, समझ नहीं बात, और चलो तो एक स्क्वायर बना, स्क्वायर की क्या खूबी होती है, ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है ना, तो देखो ये 90 होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और इसका नाम रख लेते हैं सपोज पी क्यू आर, पी क्यू आर और बी, ये एक स्क्वायर, अच्छा बताओ क्या इससे बड़ा स्क्वायर बन सकता है, अगर बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा बताओ, नहीं नहीं बाहर तो चला जाएगा, वो नहीं आता इंस्क्राइब, हाँ इन्होंने ठीक बोला है कि वो रेक्टेंगल बन जाएगा, नहीं
भाई अगर मैं P और Q को यहाँ लूँ ऐसे करके अगर बनाऊँ तो ये 90 90 90 तो होंगे, लेकिन ये लेंथ लंबा हो जाएगा ना, हमको तो चारों कैसे चाहिए इक्वल, तो लार्जेस्ट कुछ ऐसा ही स्क्वायर बनेगा। और ऐसे स्क्वायर का क्या चाहिए आपको, साइड चाहिए। तो लेट अस अज्यूम दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट, x सेंटीमीटर। ओके, नहीं मान सकते, और चारों साइड्स क्या होंगे सेम। तो अगर ये x आपने अज्यूम किया है तो ये साइड भी कितना होगा x, और ये भी कितना होगा x, और ये भी कितना होगा x। ठीक, आपको x का वैल्यू निकालना है, तभी तो स्क्वायर का क्या आएगा साइड। यही पूछा है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। इससे कंफ्यूज मत हो आप लार्जेस्ट स्क्वायर से, जो आपने बनाया वो लार्जेस्ट ही है, टेंशन ना लो। ठीक, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल। x का वैल्यू निकालना है, बताइए क्या करें, क्या अप्रोच होगा आपका, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या कुछ और करें? यस, सिमिलैरिटी लगाएंगे, वेरी गुड। कौन से ट्राइंगल पकड़ेंगे, थोड़ा ट्राइंगल का भी ध्यान रखा करिए भाई। ट्राइंगल ए पी क्यू पकड़ेंगे, कौन सा ट्राइंगल ए पी क्यू पकड़ेंगे, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी चेक करिए जरा ध्यान से। ए बी सी में एंगल ए बी सी कितना है, 90, और अभी अभी आपने ये स्क्वायर बनाया है तो ये एंगल कितना होगा, तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा, लेकिन ये एंगल, ये वाला एंगल तो छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल ए पी क्यू है ना, है कि नहीं है। इसका मतलब एंगल ए बी सी अगर 90 था बड़े वाले का, ये वाला एंगल छोटे वाले के ये वाले एंगल के इक्वल आ गया, यानी कि किसके इक्वल है, एंगल ए पी क्यू के। ठीक, और छोटे वाले ट्राइंगल का जो एंगल ए है वही बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है। ठीक बात है कि नहीं। तो नेक्स्ट लिखेंगे कि एंगल, यहाँ लेफ्ट में किसकी इंफॉर्मेशन चल रही है, ट्राइंगल ए पी क्यू की, तो ट्राइंगल ए पी क्यू में एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बड़े वाले के बी ए सी के क्या हो गया, कॉमन है, तो बचा हुआ बचे हुए के इक्वल होगा, वो अलग बात है, लेकिन एंगल एंगल से क्या हो गए दोनों सिमिलर। ध्यान से देखिएगा जरा, चेक कर लीजिए, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू, चेक कर लीजिएगा भाई, ए की पोजीशन कौन लेगा, ए, पी की पोजीशन कौन लेगा, बी, और बचा हुआ एंगल क्या था वहां, क्यू, जो कि बचे हुए सी के इक्वल होगा, तो बचे हुए की पोजीशन कौन लेगा, सी। अब यहां से आप रेशियो बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा रेशियो, यहां से बोलिए, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, हाँ, ए क्यू अपॉन ए सी, और चेक कर लीजिए जरा ध्यान से, आप वो वाले पेयर को सेलेक्ट कर लीजिए जिनसे आपका काम बन जाता है, आपको क्या चाहिए एक्स, तो क्या आप ए पी की वैल्यू बता सकते हैं, बताइए, पूरा कितना है 16, और ये कितना है x, तो AP कितना बच जाएगा 16 माइनस x, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको सेलेक्ट करना चाहिए AP अपॉन AB किसके साथ, PQ अपॉन BC के साथ, नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, उसी में तो x कवर हो रहा है, ठीक है। अरे भाई ये वाला साइड तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं पता है, तो चेक करिए जरा, आपको AP अपॉन AB मिल रहा है कहीं, AP अपॉन AB किसके साथ, PQ अपॉन BC के साथ, हाँ ये वाला पेयर हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसका हमको काम है, ठीक है ना। तो हो गया हमारे पास क्या, AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ अपॉन BC, दिस इंप्लाइज दैट AP का वैल्यू चेक करिए कितना है 16 माइनस x अपॉन AB का वैल्यू चेक करिए 16 इज इक्वल्स टू, PQ का वैल्यू चेक करिए x अपॉन bc का वैल्यू चेक करिए 8, कोई दिक्कत है, अच्छा इसको यहीं पे कैंसिल कर दूं, 8 1 जा 8, 8 2 जा, नहीं समझ में आई होगी बात, हां क्योंकि ये 16 अगर इधर जाएगा तो कटेगा ना 8 से, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, 16 माइनस x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 माइनस x, बीच में क्या लगाएंगे इक्वल टू 2 इनटू x, क्या होता है 2x, ठीक है। फिर अगले स्टेप में 16 को इधर ही रहने दो, x को उधर भेज दो, तो जाके ऐड हो जाएगा 2x plus x क्या होता है 3x होता है, ओके, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन 3 क्या सेंटीमीटर, ओके कर लीजिए जरा,
यानी कि स्क्वायर का साइड कितना है, 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। कर लीजिए,